हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी एनर्जी इतनी लो क्यों है और मैंने कोई इंट्रो नहीं डाला, क्योंकि भाई ये एक सीरियस टाइम है और इस टाइम मैं आप लोगों को सिर्फ एक अपडेट देने के लिए वीडियो डाली है कि हेला बीमार है हमारी, और हमारी हम सब की हेला जो है वो बीमार है और उसकी अब ट्रीटमेंट चल रही है, तो अब मैं उसको लेके गया हूँ। देखो, ये इंट्रो मैंने बाद में शूट करा है, इस टाइम मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तो अब आगे आगे आप देख सकते हो क्योंकि क्या क्या हुआ है हेला के साथ, और वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो आप व्लॉग देख लो, ये वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा और आपको अपडेट्स मैं देता रहूंगा, ठीक है? जाएगी। कहाँ जा रही है? हेलो, हॉस्पिटल चल तो रहे हैं। फिर कैसा मुंह कर लिया इसने, इसके पैर धोए थे, पता नहीं कैसी जंगली बिल्ली लग रही है। चले हेलो, बोल तो ले कुछ, जा अपनी जगह पे जाके बैठ जा। चलो चलते जल्दी जल्दी। भाई हेला, मेरे को तो ढीली ज्यादा लग रही है। इसकी सारी मतलब इसका टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर तो बिल्कुल सही है इसका। बाकी इसकी हिस्ट्री वगैरह चेक करी है सारी, और वो रिकॉर्ड लिख के अब इसका ब्लड टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा। ऐसे हरकतें ना कर हेलो, डरा ना भाई, बेटा। इसके मुंह में धक्के से मम्मी ने ग्रेवी डाल ली, आज एक एक पाइप इसको प्रॉपर पिला दी है, बट ये डरा रही है मेरे को। इसका ना एक बार ब्लड एग्जामिनेशन कर छुटके तो ठीक है, को टेस्ट करवाने के लिए। सो दोस्तों, अभी यहाँ पे मैंने रिपोर्ट दी है, यहाँ पे ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे ही टेस्ट करवा रहे हैं। सो एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो देखते हैं क्या है। वैसे टाइम पीरियड ज़्यादा लंबा होता है टेस्ट का, बट फ़ोन कर दिया था, जानकारी निकल गई, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तभी मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। नहीं, एक घंटे का टाइम तो लेते हैं ये, बट ये 10-15 मिनट में दे देंगे रिपोर्ट। यहाँ पे दो फीमेल आई हुई हैं, एक तो पाकिस्तानी बुल्ली है और साथ में लैबराडोर फीमेल, और खुली घूम रही है शिकारी, ये देखो। बाकी ये सेक्शन मतलब यहाँ पे ना ज़्यादातर जो कैटल होते हैं ना, कैटल्स वो ज़्यादा आते हैं, मतलब क्योंकि हरियाणा में पंजाब में ज़्यादातर ना बफेलोज वगैरह, काउज वगैरह, कैटल मतलब कि इनका बहुत मतलब लोग रखते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक और लेबर आता हुआ देखो, आ गई हमारी हेलो। हमें लगभग थोड़ा सा आइडिया तो आ ही गया, ये खुद ही स्ट्रेस में चली गई मैडम। रिपोर्ट वगैरह लग सही है, इसका फीवर सही है, ब्लड सही है, थोड़ी सी प्लेटलेट्स कम है इसकी, डिप्रेशन में चली गई भाई। चलो इसकी मेडिसिन वगैरह लेके आते हैं, मेडिसिन वगैरह, और ये रिपोर्ट रखी हुई है इसकी, वहां नहीं बैठना अभी, कैसे क्या करो। बट यहाँ से आने के बाद हमें पता चला कि इसको ये तकलीफ नहीं, इसको तो कुछ और तकलीफ है, क्योंकि ये हॉस्पिटल से आते ही बहुत डाउन हो गई, मतलब बिल्कुल लेट गई। तो फिर हम एक दूसरे वेट के पास लेके गए हैं और उसके बाद इसको ड्रिप चढ़ाई है, फिर इसको देखो अभी कैसे गिरी हुई है, मतलब अब हेला का दिख रहा है कि ये बिल्कुल सीवियर कंडीशन में है। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अगर ये रात निकाल देगी तो कुछ उम्मीद है। दोस्तों, ये हेला अभी वापिस अब ड्रिप चढ़वा के आई है ये, और ये मतलब ये सीरियस है। देखो, तुम्हें सच्चाई बता देता हूँ, अगर ये आज की रात निकाल जाती है तो ये ठीक हो जाएगी, बस होप करो आप लोगों को। तभी मैं छोटी सी वीडियो डाल के बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी फैमिली हो हमारी, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी कुछ भी शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, पता नहीं कैसे क्या होने लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अभी ठीक है हेला बिल्कुल, अभी तो ये सो रही है, इसकी ड्रिप चढ़वाई थी तो ये सो रही है, रेस्ट कर रही है, बस दुआ कर रही है ठीक रहे बस। दोस्तों, उस क्लिप के बाद जो आपने अभी लास्ट देखी, अब सुबह का टाइम हो गया और मैं इस टाइम फार्म पे हूँ। मैं फार्म पे, सारे लोग अपने सारे एनिमल्स बिल्कुल हेल्दी हैं और फाइन है। आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हमारे चिकलेट्स के बच्चे हैं, इसमें ऑलमोस्ट ये देखो सारे भाग रहे, कैसे खाना खा रहे हैं। मैं इनको खाना दे रहा हूँ, श्रिम्स, ड्राइड श्रिम, ड्राई श्रिम्स है और फीड है, तो ये दे रहा हूँ इनको, ये खा रहे हैं, इनकी टम्मी भरी हुई है देख सकते हो आप। हाँ, तो दोस्तों
अब बात करते हैं हेला की, जिसके लिए मैंने ये वीडियो डाली है। और ये बहुत छोटी वीडियो है, सिर्फ इसलिए डाली कि आप लोगों को अपडेट मिल जाए। और एक और खुशखबरी की बात है, अब मैं यहाँ आया हूँ, मैंने अभी फ़ोन करा पापा को, तो अभी 8:30 सुबह के तो मैंने फ़ोन करा, तो आप सबकी दुआ और हमारा हार्ड वर्क और हम सब का प्यार, हेला ने ग्रेवी खा ली है। तो आप सब लोग अपने अपने घर में ना प्रे करो, और सब प्रे करो, और बस कमेंट सेक्शन भर दो हेला के लिए, ठीक है। और भाई प्लीज़ हेला के लिए ना एक लाइक भी कर देना, और करनी है नहीं कर वो आपकी मर्जी है, बट हेला के लिए बस प्यार दिखाओ जितना दिखा सकते हो, ठीक है। हमें भी पता चले हमारी हेला के साथ कितने लोग हैं, ठीक है। सो हाँ, मैं अपडेट आपको देता रहूँगा, मैं 2 मिनट की वीडियो डालूँ बट मैं डालूँगा, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो अब इस टाइम अब हेला जाएगी ड्रिप चढ़वाने, क्योंकि देखो पता है कि ड्रिप से उसमें हिम्मत आ गई, डॉक्टर ने भी कहा था अगर ये रात रात को सरवाइव कर जाएगी ना तो ये रिकवर कर सकती है, और मुझे पता है मेरी हेलो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो रिकवर कर जाएगी। और उसने ये अच्छा साइन दिया कि वो, मैं उसके लिए नई ग्रेवी लेके आया था, कैट की मिक्स वाली थी, तो वो खड़ी हुई, उसने 1 चम्मच जितनी वो पी भी ली, और फिर उसने वापस ग्रेवी का पानी मांगा तो उसने पी लिया, तो ये बहुत अच्छा साइन है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सी प्रे करो, ठीक है। और अब हेला ड्रिप चढ़वाने जाती है बार, अब जैसे शाम, अब सुबह जाएगी 10 बजे, फिर शाम को जाएगी, तो वो भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा नेक्स्ट, हर दिन 2-2 मिनट की, 1-1 मिनट की या 5 मिनट की, जितने मिनट की भी बनती है आपको अपडेट दे दूँगा, ठीक है। चलो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।